सिंबल ऑफ कैपेसिटर कैसा है, ये सिंबल ऑफ कैपेसिटर है, और अगर एरो बना होगा तो वो वेरिएबल कैपेसिटर है, ये फिक्स्ड कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस अगर 2 माइक्रोफेरेड है तो 2 माइक्रोफेरेड है, और इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है, ये हम स्टडी नहीं करेंगे, तो हमारे कोर्स में सिर्फ फिक्स्ड कैपेसिटर है। ठीक, पहला पॉइंट। सपोज करो अगर मैं किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ, तो मान लो एक बॉडी ली जिसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू, और ये एक कंडक्टर लिया, ये जो कंडक्टर है ये बाय इंडक्शन इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, तो अगर ये क्यू है ये माइनस क्यू है, और इस तरफ दिखाया नहीं पर ग्राउंड हुआ हुआ है, अर्थिंग हुई हुई है। ठीक, तो हमने जो चार्ज दिया वो इस बॉडी को दिया क्यू, तो चार्ज स्टोर्ड इन अ कैप, देखो ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है, पर चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर यहाँ पर क्यू माना जाएगा, माइनस क्यू नहीं सिर्फ क्यू माना जाएगा, क्लियर है यहाँ तक? तो क्यू चार्ज है, अब क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या डेवलप करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज क्या डेवलप करता है, नेगेटिव पोटेंशियल, क्लियर है यहाँ तक? तो पॉजिटिव पोटेंशियल बड़ा होता है, नेगेटिव पोटेंशियल छोटा होता है, सिंपल। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल, बड़ा पोटेंशियल क्या है, वी पॉजिटिव, छोटा पोटेंशियल क्या है, वी नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट कर दूं, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, जो भी चार्ज स्टोर हुआ क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? तो किसी भी बॉडी की कभी भी कैपेसिटेंस निकालनी है, उसकी शेप कैसी मर्जी हो, वो स्फेयर हो, वो प्लेट हो, वो कैसी भी बॉडी हो, चार्ज जो भी आपने दिया उसको उन बॉडीज के पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देने, आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?